यमुनानगर के जगाधरी में कारगिल विजय दिवस पर कारगिल शहीदों की याद में तिरंगा मशाल पद यात्रा निकाली गई। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर के साथ भाजपा नेता, कार्यकर्ता और सैकड़ों की संख्या में युवा महिलाएं और जगाधरी के लोग हाथों में तिरंगा और मशाल लिए पद यात्रा में शामिल हुए। कारगिल के शहीदों को याद करते हुए सभी ने भारत माता के जय घोष लगाए। तिरंगा मशाल पद यात्रा जगाधरी रामलीला भवन से शुरू हुई और रेलवे बाजार, चौक बाजार, खेड़ा बाजार, पत्थरवाला बाजार, झंडा चौक, स्कूल रोड से होते हुए रामलीला भवन पर इसका समापन हुआ। तिरंगा मशाल पद यात्रा में शामिल हुए कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि जिन वीर शहीदों के बलिदान से हमने कारगिल जीता और पूरी दुनिया में हमारे देश का मान सम्मान बढ़ा, उन शहीदों को नमन करने के लिए आज ये मशाल पद यात्रा निकाली जा रही है। कारगिल का युद्ध दुनिया का एक अलग तरह का युद्ध था, जिसमें दुश्मन की सेना बहुत ऊपर थी और हमारे सैनिक बहुत नीचे थे, लेकिन हमारे सैनिकों के अदम्य साहस ने दुश्मनों को हराने का काम किया। उन शहीदों के शहादत को हम नमन करते हैं और उन्हीं की याद में पूरे देश में इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये आज इन लोगों की वजह से हमने कारगिल जीता और पूरी दुनिया में इसका मान सम्मान बढ़ा। उन महापुरुषों को, उन शहीदों को नमन करने के लिए आज ये यात्रा निकाली जा रही है और कारगिल की जो लड़ाई है वो दुनिया की बिल्कुल अलग टाइप की लड़ाई थी, जिसमें टाइगर हिल पे लोग बहुत ऊंचाई पे थे और हमारे सैनिक नीचे थे, लेकिन हमारे सैनिकों के अदम्य साहस ने हराने का काम किया। तो ऐसे महान शहीदों को हम नमन करते हैं और पूरे देश में आज कल और आज इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अर्थ प्रकाश के लिए यमुनानगर से राकेश भारतीय की रिपोर्ट।